ये देखो, ये भी ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस या लेसर, और सुपरलेटिव होती है लीस्ट। फ्यू की कंपैरेटिव होती है फ्यूअर, और सुपरलेटिव होती है फ्यूएस्ट। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? एग्जामिनर सेंटेंस के अंदर कहेगा ही स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस मैच, और आगे कह दिया देन इन द प्रीवियस वन, देन इन द प्रीवियस वन। सेंटेंस क्या कह रहा है? इस वाले मैच में ना उसने कम रन बनाए पहले वाले की बजाय। अब बच्चे का ध्यान ये जाना चाहिए कि लिख तो रहे हो रन्स, और रन तो गिने जा सकते हैं, और लगा रहे हो उसके लिए लेस, जबकि लेस तो ऐसी चीजों के लिए आता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो लेस की बजाय यहां पे क्या होना चाहिए? फ्यूअर। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? ही स्कोर्ड फ्यूअर रन्स इन दिस मैच देन इन द प्रीवियस वन। अब ये चीज पढ़ा क्यों रही हूं अगर इतनी ही आसान है? तो आसान जरूर है, पर स्पोकन में गलत इस्तेमाल करते हैं बच्चे। अब स्पोकन में गलत कैसे इस्तेमाल करते हैं? हर जगह लेस यूज करते हैं। लेसर तो सुना भी नहीं होता बहुतों ने, और फ्यूअर तो शायद ही कहीं देखा होता है। तो आपने ध्यान ये देना है कि फ्यू अ फ्यू द फ्यू काउंटेबल चीजों के लिए आएंगे, तो फ्यूअर और फ्यूएस्ट भी तो काउंटेबल के लिए आएंगे। लिटिल ए लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आएंगे, तो लेस और लीस्ट भी तो अनकाउंटेबल के लिए आएंगे, है ना? तो लेस मनी तो ठीक है, पर लेस मैचेस थोड़ी ना होगा, फ्यूअर मैचेस होगा। समझे? देर वर नो लेस देन 40 बॉयज। जब 40 लड़के कह दिया तो लेस तो आ ही नहीं सकता, लेस तो अनकाउंटेबल होता है। तो देर आर नो फ्यूअर देन, ऐसे करना है बच्चों। तो बस ये देखो कि काउंटेबल है तो फ्यूअर फ्यूएस्ट, फ्यूअर दो के लिए, फ्यूएस्ट दो से ज्यादा के लिए, अनकाउंटेबल है तो लेस और लीस्ट। लेस क्योंकि कंपैरेटिव है दो के लिए, लीस्ट सुपरलेटिव है।